वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक अभी से लेस। दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे FM व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन में कैसे डाउनलोड करें अपने फोन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। A few moments later. तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउज़र ओपन करिएगा, गूगल हो या गूगल का क्रोम ब्राउज़र हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको डालना पड़ता है FM व्हाट्सएप, यहाँ पे डालना पड़ता है यही वाला आपको डालना पड़ता है FM व्हाट्सएप न्यू वर्जन GB एप्स, यही वाला करके आपको डालना पड़ता है। GB ऐप करके डालेंगे तो यहाँ पे देखिए GBApps.net वाली वेबसाइट खुल जाएगी। तो अभी सिंपली आपको इसको इस पर एक बार क्लिक करना पड़ता है, जो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आ रही है। मैं आप लोगों को ट्रिक मार के दिखा देता हूँ, सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ में स्क्रोल करेंगे और यहाँ पे आपको डाउनलोड FM व्हाट्सएप AKP GB Apps.net वाला यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाई देगा FM व्हाट्सएप, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड FM व्हाट्सएप APK, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। मैं आप लोगों को इसीलिए पूरा ट्रिक मार के दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे सिंपली आपको उस पर बस क्लिक करना होगा, आपको इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल के आ जाएगा, ऊपर डिटेल्स वाला ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। डिटेल्स पर क्लिक करना है, डिटेल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने FM व्हाट्सएप दिखाई देता हुआ, डाउनलोड दिखाई देता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाता है तो सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे आपके सामने डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर बैक चले जाते हैं, फिर बैक जाएंगे और बैक जाएंगे और थोड़ा बैक जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया, ये हो गया ओल्ड यूजर के लिए। और आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे डाउनलोड FM व्हाट्सएप AKP लेटेस्ट वर्जन सितंबर 2024 यहाँ पे दिखाई दे रहा है GBApps.net वाली वेबसाइट है। तो आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ में आपको स्क्रॉल करके जाना होता है और यहाँ पर सिंपली डाउनलोड FM व्हाट्सएप पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका फाइल डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। जैसे 100% डाउनलोड हो जाता है वैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए आएगा, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओपन करना है FM व्हाट्सएप को। FM व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप अपना लैंग्वेज खुद सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एरो वाले बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप एरो वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देने को मिल जाएगा, आप चाहे आपका लैंग्वेज दूसरा टिक हो गया है तो यहाँ से इंग्लिश वाले पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाउ पर क्लिक करना होता है। अलाउ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे आप नंबर डाल लेंगे। अगर जो न्यू यूजर हैं तो आप यहाँ पे नंबर डालेंगे,
ठीक है। यहाँ पे नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू यूजर के लिए ये लॉगिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा ओल्ड नंबर है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, इज दिस द करेक्ट नंबर, यस, जो हमारा नंबर करेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, अलाउ कर देंगे, अलाउ करेंगे और यहाँ पे सिंपली देखिए हमारा ओल्ड नंबर है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, डाउनलोड GB व्हाट्सएप, ठीक है। तो अभी सिंपली आपको न्यू यूजर के लिए आप इसमें लॉगिंग कर सकते हैं नए नंबर से, नहीं तो आप इसमें 3 डॉट पे क्लिक करके लिंक एज कंपेशन डिवाइस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आप लोग लिंक और डिवाइस अपने फ़ोन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्कैन करना होता है, वो भी 30 सेकंड के अंदर इसको स्कैन करना होता है। दूसरे फ़ोन में जाएंगे, दूसरा वाला फ़ोन लेंगे, उसमें व्हाट्सएप बनाएंगे या किसी दोस्त के व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद लिंक और डिवाइस पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे लिंक और डिवाइस और यूज मोबाइल डाटा पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपका लॉक हो, फिंगर लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, जो भी पासवर्ड लॉक हो, आप उसको अनलॉक कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना होता है। जैसे सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इसका पीछे क्या करना है, QR कोड को लगाना है। देखिए ये वाला कोड इसके स्कैनर के पीछे लगाना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।